ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधु, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको विशेष काली मंत्र। ये मंत्र जो काली माता के उपासक हैं, यानी कि उनकी पूजा करते हैं और धन लाभ करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है धन लाभ के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार भी हम आपको आपकी जो भी व्यक्तिगत समस्या उसके अनुसार हम आपको व्यक्तिगत समस्या के अनुसार आपके ग्रह नक्षत्र के उपाय बताएं, तो आप एक काम करिए, जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पर, जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे टेलीग्राम है, उस पर आप जाइएगा, हमारा ग्रुप ज्वाइन करिएगा। ग्रुप का नाम है कागज़ पर टोटके। उस पर आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, कोई अन्य व्यक्ति उस ग्रुप का आपका नंबर नहीं देख पाएगा, ना ही आप किसी का नंबर देख पाएंगे, तो प्राइवेसी बनी रहेगी। हमारा ग्रुप है इसलिए हम नंबर देख पाएंगे और हम किसी भी दिन आपको मैसेज कर देंगे और आपसे आपकी व्यक्तिगत समस्या पूछेंगे। जो भी फिर आपकी समस्या है वो आप हमें बताएंगे, फिर हम आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार आपको सबसे उचित उपाय बताएंगे। तो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, वह है हमारा जो टेलीग्राम पे ग्रुप है उसको ज्वाइन करिएगा। अब आपको बताते हैं कि इस उपाय में क्या करना है। पहले मंत्र जो इस्तेमाल होगा वो हम लिख देते हैं, काली के उपासकों के लिए धन वैभव सौभाग्य हेतु, ये मंत्र हम बता रहे हैं। जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है, ओम ह्रीम ह्रीम हूँ ओम क्रीम 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 दक्षिणे काली के क्रीम क्रीम मंत्र आप एक बार पास से देख लीजिए। यह मंत्र आपको जपना है। आप इस मंत्र को इस्तेमाल कैसे करेंगे ये भी आप समझ लीजिएगा। इस मंत्र का आप जाप संडे यानी कि रविवार से शुरू करें, किसी भी समय मंत्र का जाप कर सकते हैं, मगर शाम होने से पहले पहले। अब बात आती है कि कितनी बार इसका जाप करना है। ये जो मंत्र है इसको आपको कम से कम 1,25,000 बार जाप करना होगा, चाहे कितने दिन भी लगाएं आप। तो आप रोज गिनना शुरू करेंगे, कितना भी मंत्र जाप कर सकते हैं, कुल मिला के 1,25,000 बार होना चाहिए कुल मिलाकर। और इस बात का ध्यान रखना है कि काली माँ का जो चित्र है वो सामने रखकर मंत्र का जाप करना है आपको। और जो सावधानियां रखनी वो ये है, जब भी आप ये साधना करें तो स्त्रियों के प्रति आपको क्रोध नहीं करना है, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही हाथ उठाना है, उन्हें दुख भी नहीं पहुँचाना है, और कार्यों के हितों से ये सभी कार्य करेंगे आप तो आपके हित के लिए अच्छा रहेगा। और जो मंत्र जाप करेंगे आप इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये लाभ मिलने का जो हम बता रहे हैं वो धन वैभव सौभाग्य, इससे क्या आएगा, धन भी आएगा, समाज में वैभव भी बढ़ेगा और सौभाग्य भी। तो इसके लिए आप ये उपाय करेंगे। तो बंधु, ये उपाय करके देखें, इसमें निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। अब कोई अगर आपकी समस्या है तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।